सीएम धामी बोले, वजूद बचाने को लड़ रहे राहुल अखिलेश 2029 का चुनाव भी पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार में जुटे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पर तंज कसते हुए कहा कि ये दोनों सरकार बचाने के लिए नहीं बल्कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब अपने परिवार की परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा सके तो समझा जा सकता है। खटाखट योजना की लागत के बारे में कुछ पता है, कैसे लागू करेंगे? वित्त मंत्री की राहुल को चुनौती। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वादा किया कि वे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को 1,00,000 रुपए देंगे। क्या राहुल गांधी को इस योजना को लागू करने की लागत के बारे में कुछ पता है? वित्त मंत्री ने गांधी को चुनौती दी है कि वे जनता को बताएं कि आखिर कैसे वे अपनी योजनाओं को लागू करेंगे। राहुल गांधी बोले, रायबरेली मेरी दो माताओं की कर्मभूमि है, इसलिए मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने जिले के महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी दो माताएं हैं, एक सोनिया गांधी और दूसरी इंदिरा गांधी, जिन्होंने मेरी रक्षा की है, मुझे सिखाया है। रायबरेली मेरी दोनों माताओं की कर्मभूमि है, इसलिए मैं यहां से चुनाव लड़ने आया हूं। गुरदासपुर में भाजपा नेता स्वर्ण सलारिया आम आदमी पार्टी में शामिल, सीएम ने मान दिलाई सदस्यता। गुरदासपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्ण सलारिया आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। लुधियाना में मुख्यमंत्री भगवंत मान उन्हें पार्टी में शामिल कराया है। स्वर्ण सलारिया भाजपा से गुरदासपुर लोकसभा के लिए चुनाव भी लड़ चुके हैं। वे भाजपा की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब के स्थायी सदस्य थे। स्वर्ण सलारिया स्वतंत्रता सेनानी निधन सिंह सलारिया के बेटे हैं। रायबरेली की जनता से बोले राहुल गांधी, जल्द शादी कर लूंगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को अपना चुनाव प्रचार करने रायबरेली संसदीय क्षेत्र पहुंचे तो जनता ने उनसे जानना चाहा कि आप शादी कब करोगे। जब वह कुछ सुन नहीं पाए तो बहन प्रियंका गांधी ने बताया कि लोग पूछ रहे हैं कि शादी कब करोगे। इस पर राहुल गांधी हंस पड़े और बोले, जल्द ही शादी कर लूंगा। क्या मास्टर स्ट्रोक साबित होगा ईरान के साथ चाबहार समझौता? पाकिस्तान और चीन के छूटेंगे पसीने, भारत का यह है प्लान। यह पहली बार होगा कि भारत विदेश में किसी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथ मिलेगा। चुनावी मौसम के बीच आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। केजरीवाल सीएम पद से हटेंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया साफ। दिल्ली के एलजी को लेकर कही ये बात। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को ही सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा कि कार्रवाई करना दिल्ली के एलजी पर निर्भर करता है। हो ना जाए भिंडी बाजार का वोट बैंक, इसलिए नहीं गए राम मंदिर। अमित शाह का इंडिया अलायंस पर निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पालघर में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन INDIA पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि 10 साल तक सोनिया मनमोहन ने सरकार चलाई और इनकी खिचड़ी अलायंस यानी इंडिया अलायंस ने 12 लाख के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए। मतदान के बीच बंगाल में TMC कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी का आरोप, लहूलुहान हुआ CISF जवान। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के तहत देश की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है, इनमें पश्चिम बंगाल की 8 सीटें भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी बंगाल से हिंसा की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक बंगाल के पश्चिम वर्धमान सीट में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बल का एक जवान जख्मी हो गया। बारिश ने तोड़े शुभमन गिल के अरमान, घर में ही बाहर हुई गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस का सफर अपने ही घर में खत्म हो गया, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स को जरूर इस बारिश से फायदा हो गया, क्योंकि एक पॉइंट मिलने के साथ ही उसका शीर्ष दो में रहना पक्का हो गया और इसका फायदा टीम को प्लेऑफ में मिलेगा। पिछले सीजन की रनर अप गुजरात टाइटंस का सफर IPL 2024 में खत्म हो गया है। अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उसका करो या मरो का मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया।